हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जी एनबीए चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें एक फॉल्ट है जो कि मैंने इसको ठीक भी कर लिया, मैं आपको बताना भी चाहूँगा। इसमें एक तो ये कोयल सारी डैमेज हो गई है, सड़ गई, और इसका आईजीबीटी भी शॉर्ट हो गया है। आईजीबीटी नंबर है इसका 20R 1203। आप इसको देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर नंबर साफ आ गया तो इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। कॉयल भी मैंने डाल दी, आईजीबीटी भी डाल दिया, तो इसमें एक प्रॉब्लम अभी हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको सीरीज में लगाएं तो ऑन किया तो इसमें से बीप आ रही है, लगातार बीप की आवाज़ आ रही है। आप सुन पा रहे होंगे, तो इस फॉल्ट को मैं आपको बताऊंगा कि ये किस कारण ये फॉल्ट आता है। तो मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने इसको खोल दिया है, ये कॉइल, ये देखिए कॉइल नहीं डाल दी मैंने, आईजीबीटी नया डाल दिया। इसका फ्यूज भी डैमेज था, फ्यूज लगा दिया ऊपर से, और इसमें जो बीप की आवाज़ आ रही है वो इस कंडेंसर की वजह से आ रही है। ये कंडेंसर फूला हुआ है, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने ऊपर से लगा रखा है, तो मैं इसको आपको निकाल के फिर दिखाता हूँ। ये फैन की वायर और ये पैनल की वायर अलग कर दी मैंने, ये मैंने ऊपर से लगा दिया था। ये देखिए ये फूला हुआ है यहाँ से, और यहाँ से भी फूला हुआ है, ये दोनों तरफ से फूला हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से फूला हुआ है। तो इसकी जगह ये इसका नंबर है 0.27 UF। तो इसकी जगह मैंने, मेरे पास ये पड़ा था 0.33 UF। अब मैं इसको लगाने लगा हूँ, इसको लगाने के बाद मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा। इसको अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, देखते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया, अब हम इसको चला के चेक करेंगे। ये इसकी सेंसर की वायर, ये फैन की, और ये पैनल बोर्ड की वायर।
मैंने इसको लगा दिया। ये पैनल भी ऊपर रख दिया। अब हम इसको सीरीज में लगाएंगे। ये सीरीज में लगा दिया मैंने। ये बर्तन इसको ऑन किया, इसके ऊपर रख दिया। अब आप देख सकते हो बल्ब ग्लो कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ये मैंने प्लग निकाल के डायरेक्ट लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। अब पैनल को ऑन करेंगे। ये मैंने फुल पे कर दिया। अब देखिए इसकी 241 वोल्टेज और ये 4 एम्पियर वोल्ट ले रहा है। अब कोई इसकी बीप की आवाज़ नहीं आ रही, बीप की आवाज़ नहीं आ रही इसमें। अभी आप देखेंगे तो बर्तन अभी गर्म भी हो रहा है। जो मैंने IGBT डाला था वो मेरे पास ये नंबर है H20R1203, ये मेरे पास पड़ा था, मैंने यही डाल दिया। और कंडेंसर का जो आप देख सकते हो 0.27 UF ये भी डाल दिया। और इसकी कोयल आप देख सकते हो, ये कोयल भी बर्न हो गई। देखिए यहाँ से तो मैंने कोयल भी डाल दी और वो बीप की आवाज़ भी बंद हुई और ये पानी गर्म होने लग गया, आप देख सकते हो। और ये 4.2 एम्पियर वोल्ट भी ले रहा है। ये देखिए पानी उबलने लग गया। तो ये हमने बंद कर दिया। अब मैं इसको फिट कर दूंगा। मैंने आपको ये एक फॉल्ट दिखाना था, जो फॉल्ट कभी कभी आते हैं ऐसे फॉल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो आज वो आगे से हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आए। आगे से मैं वेल्डिंग सेट की वीडियो भी लेके आऊँगा, जो आपके लिए वेल्डिंग सेट रिपेयर करने वालों के लिए यूज़फुल होगी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।